गोविंदा जी, आजकल बायोपिक बनने का बहुत चलन है, तरह तरह के खिलाड़ियों पर, तरह तरह के लोगों पर, और हाल ही में संजय दत्त के ऊपर भी एक बायोपिक बनी थी जो बहुत सुपरहिट साबित हुई, बहुत बड़ी हिट है वो बॉलीवुड की टॉप थ्री में। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई फिल्म बन सकती है, क्योंकि आपकी जर्नी भी एक रैंक आउटसाइडर की रही है, विरार का छोरा के तौर पर आपको जाना जाता है, बहुत आसान नहीं था आपके लिए बॉलीवुड में काम कर, तो ऐसा आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे वो फिल्म बन सकती है, और अगर बन सकती है तो कौन प्ले कर सकता है वो किरदार? अभी क्या, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, पर इसे जगह करेक्ट नहीं है इसकी। बहुत साल बाद मैंने रोमांटिक फिल्म की है। तो जो जो आर्टिस्ट नीचे से ऊपर आए हैं लाइफ में, और ख़ास तौर पर ऐसी जगह में जहाँ पे मौके ही नहीं अता फरमाता, ऊपर वाला जल्दी से नहीं मिलता है चांस ऐसी जगह में, तो हाँ ये हो सकता है, पर अभी नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। मेरा ये सोचना है कि मेरी ज़िंदगी के हर वो जो पहलू हैं, ख़ास तौर पे माँ बाप के आशीर्वाद से जुड़े हुए, और ख़ास तौर पे गुरु वर्ग से जुड़े हुए, और वो जो गांव की जो मस्तियाँ होती हैं, और जो गांव में प्रेम होता है लोगों में आपस में उनका, वो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट।